वेलकम टू गाइस, मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। और नॉलेजेबल क्यों? क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि जो मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज है, जो जमशेदपुर में स्थित है, और उसमें अगर आप एडमिशन लेने के बारे सोच रहे हो, या उस कॉलेज को जो काउंसलिंग राउंड वन या राउंड वन तो हो चुका है, राउंड टू में अगर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, तो उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट का आपको ज़रूरत पड़ सकता है। और ये इस तरह के सर्टिफिकेट हैं जिसे आप अगर नहीं ले जाते हो तो मे बी आपका जो काउंसलिंग है वो रुक जाएगा और आपको थर्ड मॉप अप राउंड के लिए बोला जा सकता है, या फिर नेक्स्ट ईयर आपको ट्राई करने के लिए बोला जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और आज उसी के ऊपर ये वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग हुआ था, जो ऑल ओवर इंडिया का काउंसलिंग में जो मणिपाल जिन स्टूडेंट्स को मिले हैं, उन बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात हुआ, और उन्होंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि वो लोग अपना जो सर्टिफिकेट है नहीं लेके गए थे, जिनके कारण उनका काउंसलिंग रुक किया गया। अच्छे नंबर आने के बावजूद भी उनका जो काउंसलिंग है रोक दिया गया था और उन्हें सेकंड राउंड के लिए बोला गया। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसी टॉपिक के ऊपर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कि ऑल ओवर इंडिया से अगर आप मणिपाल में आना चाह रहे हो, स्टेट वाइज का काउंसलिंग का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया का बात कर रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप मणिपाल में एडमिशन लेने जा रहे हो तो बहुत सारा दिक्कत होता है कि अगर जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हो तो उसमें होता है कि आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आप अगर एसटी एससी या ओबीसी बैकग्राउंड से होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएं। ये ऑल ओवर इंडिया का है। और अगर आप स्टेट काउंसलिंग में मणिपाल को टारगेट करते हो तो इसमें होता ये है कि अगर आप झारखंड के निवासी हो, अगर तभी जाके आप स्टेट कोटा में फाइट कर सकते हो। और अगर आपके पास झारखंड में रहने के बावजूद अगर आपके पास स्टेट का रेसिडेंस नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और स्टेट में वे सर्टिफिकेट जो 2017 के बाद आए हैं, उन सर्टिफिकेट का वैल्यू है, वो भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट। तो अगर आप इसे नहीं ले जाते हो तो इसके लिए भी आपको रोक दिया जाएगा काउंसलिंग। और मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि एसटी एससी और ओबीसी कैंडिडेट के साथ, और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था और कहा था कि कुछ कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट में आदिम जनजाति कैंडिडेट थे जिनका सर्टिफिकेट झारखंड गवर्नमेंट की ओर से अलग से बनाया जाता है, और उन सर्टिफिकेट के अभाव में उनका अगर नहीं ले जाते हैं तो उनका काउंसलिंग रोक दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, और इसे अगर आदिम जनजाति को अगर बोला जाए तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है। तो जो आदिम जनजाति को बोला जाता है प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, अगर इस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो तो मस्ट है कि आप ज़रूर से उस सर्टिफिकेट को बनवाएं, और वो भी ऑनलाइन वाला जो झार सेवा में आपका बन जाएगा, तो उन्हें ले कर जाए, तभी आपको इसमें जो काउंसलिंग में एक बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप नहीं लेके जाते हो तो आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिल पाएगा इस ग्रुप में। और सबसे बड़ा है कि अगर आप स्टेट कोटा में फाइट करते हो तो रेसिडेंस मस्ट है। अगर रेसिडेंस नहीं रहता है तो आपका जो काउंसलिंग है उसे रोक दिया जाएगा, या मे बी कहा जाए कि आप नेक्स्ट टाइम आइए या नेक्स्ट काउंसलिंग में मॉप अप राउंड में भाग लीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी के ऊपर था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कहीं ऐसा ना हो कि आप सेकंड राउंड में जाए और वहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।